राजसमंद जिले के देवगढ़ के हीरा की बस्ती में एक विषय काफी दिनों से सुर्खियों में चल रहा था, मगर आज वहां से एक बड़ी दुखद खबर आई है। जी हाँ, जो एक विषय जिसमें कि बताया गया कि 20 नवंबर की रात को कुछ स्थानीय युवकों ने वहां एक पुजारी दंपति पर हमला किया और पुजारी नवरतन लाल के साथ मारपीट की गई, उनको जलाने की कोशिश की गई, जिसमें कि पुजारी दंपति घायल हो गए। और इस दुखद घटनाक्रम के बाद, इस क्रूर घटनाक्रम के बाद तुरंत प्रभाव से दोनों दंपतियों को देवगढ़ से उदयपुर के लिए रेफर किया जाता है। उदयपुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, मगर उस इलाज के बीच आज एक बड़ी दुखद खबर यह आई कि लगभग सात दिनों तक इस जिंदगी और मृत्यु की जंग को लड़ने के बाद आज पुजारी नवरतन लाल इस जंग को हार गए, इस लड़ाई को हार गए। हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना है कि छह डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही थी, लगातार ये कोशिश कर रही थी कि उनको बचाया जा सके, मगर गत 3 दिनों से उनकी स्थिति और गंभीर हो गई और डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी पुजारी नवरतन लाल को नहीं बचाया गया। खबर यह भी है कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा, मगर इस पूरे घटनाक्रम से और इसके इस दुखद पहलू के सामने आने के बाद अब लगातार बड़ा सवाल ये है कि किस प्रकार से इस घटना से जुड़े हुए प्रत्येक दोषी को कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द दिलाने की कार्रवाई की जाती है। हालांकि इस विषय के सुर्खियों में आने के बाद अपराधियों की धरपकड़ भी हुई, इसमें पुलिस की जो तमाम कार्रवाई थी उस पर भी सवाल या निशान थे, तो पुलिस अधिकारियों पर भी गाज गिरी, प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई और साथ ही इस प्रकरण में लगातार राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का भी एक दौर लगातार चल रहा था। अब इस विषय में जब ये एक गंभीर घटनाक्रम सामने आया है तो ये तमाम पूरी व्यवस्था पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है और पुजारी नवरतन लाल की ये मृत्यु, उनका ये दुखद अंत, कई सारे सवाल सभी के सामने खड़े कर रहा है।